एकदम ग्रेवी से लिबड़ी चाइनीज स्टाफ कहाँ से आ गए। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और आज हम लोग खाएंगे 24 घंटे चाप। अरे भाई, मैं प्लेट ला रहा था यार, प्लेट भी आ गई है, भाई भी आ गया है, तो खाना तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। चाप हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर में चापे छापे खानी है। अगर आपको चाप नहीं पता तो इट्स अ थिंग जिस पे दिल्ली चलता है। चैलेंज जो है हम दोनों ही कर रहे हैं कायदे से, क्योंकि हम दोनों को ही चापे बहुत पसंद है। सबसे पहली चाप जो हम लोगों ने मंगवाई है ना, बिल्कुल नहीं खाता, आप चैलेंज के चक्कर में खाना पड़ रहा है। ओहो, ये देखो, ये है हमारी सबसे पहली चाप। अचारी? जी नहीं। फिर अब जिस नाम से मैंने इसको ऑर्डर किया था उसका नाम तो है डाइट चाप। डाइट है ये? यस। ये कौन सी डाइट लग रही है मुझे नहीं पता, मुझे तो अचारी अचारी टाइप लग रही है। नहीं, अचारी नहीं है। उसने यार थोड़ी अजीब तरीके से नहीं पकाई, एक तरह से इतनी पका दी, दूसरी तरह से पकाई नहीं, भूल गया बेचारा लगता है। ये है डाइट चाप और ये जो रोल हैं ये हैं अचारी रोल। ये देख रहे हो ना, अचारी रोल में ये सारे ही खोल देता हूं ना, सारे ही। ठीक है, ऐसी ये लो, बहुत बढ़िया। सारे क्यों रख दिए? बाकी चापे खाएंगी? बाकी चापे है ही नहीं ना, बाकी पूरे दिन खाएंगे ना हम लोग। ये बड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग डिनर एज ऑलवेज बहुत हैवी करेंगे। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स में आज लिखना चापे शापे, चापे लिख देना, चाप ही लिख देना आप, चापे शापे, क्या चापे शापे, फलाना ढिमकाना, टुचू, ट्रैवलिंग पाजी, डेली व्लॉग्स। भाई मेरे को तो ऐसे ही पसंद आता है, प्याज को ऐसे डाल के हम सिंपल वाले मिक्स करके। मैं डाइट चाप से स्टार्ट करूंगा, मैं तो अपने अचारी चाप से स्टार्ट करूंगा, मैं क्योंकि बहुत हेल्दी हो गया हूं आजकल। ओह माय गॉड, ओ भाई साहब, अचारी चाप रोल। इन्होंने क्या किया है, रुमाली रोटी ली, उस पर थोड़ी सी चटनी वगैरह लगाई, प्याज लगाया, मसाला डाला और ये अचारी चाप, जिसको हम लोग हरी चटनी में डिप करेंगे। डाइट वाली में ना ध्यान से नोटिस करना, बटर बटर ज्यादा लगा नहीं है, बड़ा प्लेन प्लेन सा फ्लेवर है इसका, बाहर से भी काफ़ी ड्राई है। कहते हैं ना नमक मिर्च टाइप वाली, आप समझ आया डाइट और इसमें क्या फ़र्क है? देखने में दोनों एक जैसी लग रही है। ये वो तो नमक मिर्च का हल्का कलर आ जाता है, बढ़िया स्पाइसी है और इसमें बटर भी है और इसमें वो, और ये जो डाइट चाप है ना, ये चाप तोड़ने में भी थोड़ी हार्ड लग रही है ना, क्योंकि बटरी बटरी नहीं हुई ना। हाँ, तो वो रोस्ट होते हुए थोड़ी हार्ड ड्राई हो जाती है। ये अचारी वाली मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। अचारी चाप जो आपको मैं खोल के दिखाऊँ ना, ये देखो बड़ा सा चाप का पीस डाला हुआ है और मतलब प्याज व्याज डाल के ना अचार का, इसका देख रहे हो मसाला, ये जो सारा अचार का मसाला है ना, ऑल द फ्लेवर इज इन दिस, बट ये जो है ये भी अपनी जगह पे अच्छा। आज के दिन में एक चीज कॉमन है, चापे शापे और अच्छा खाना, क्योंकि चापे माड़ी बहुत कम मिलती है अगर अच्छी जगह से मंगवा तो। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब वी विल मीट ऑन लंच। प्लेटें आ गई है, लंच आ चुका है, चक्कू आ चुका है, चापे शापे। ओ यार, फिर से रोल आ गया। यस। ये वाले कौन से रोल है? ये दो रोल मंगवाए अभी हमने। अच्छा, अभी एक होना चाहिए तुम्हारा मोटी टिक्का वाला, जो मुझे यही लग रहा है, यही लग रहा है। ओ भाई, ये तो ओ गिर रहा है कैसे। और ये है जो हमारा है मलाई चाप रोल। मलाई चाप रोल जरा दिखाया जाए जनता को। सही है ना, कितना सही लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। और ये बोटी टिक्का जो है, होता वैसे ये वेज है, पर इसका जो ये कितना बढ़िया मसाला लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बोटी टिक्का लाइक अ नॉन वर्ड, नॉन वेज वर्ड, मेरे को भी नहीं पता था। फिर कोई हम लोग किसी को रोहिणी में खिलाने लेके आए थे, उसने बताया था मेरे को, तो कि कोई बाहर के लाइक वो आए थे गेस्ट वगैरह, तो हमने बोटी टिक्का खिलाता था, कहते बोटी टिक्का वेजी पाजी तुम। चलो भाई, खाना खाया जाए जरा, अपना भोजन करा जाए। लंच आज का मैं मलाई से स्टार्ट करूं, आप बोटी से? नहीं नहीं भाई, तुम बोटी कर दो, मेरे को बोटी खाने नहीं, बहुत स्पाइसी होता है, बहुत स्पाइसी होता है भाई। वो सुबह अचारी खा लिया था, नेक्स्ट लेवल स्पाइसी था। मैं इसलिए थोड़ा सा अपना ये बेवरेज लिया साथ में। अच्छा, अपने इसमें तवा चाप की ग्रेवी को डालते हैं, मुझे लगता है ये एक्चुअली एकदम मजेदार होता है, क्योंकि क्रीम रहे और अच्छे डालते हैं। बस मैं इतना सा ट्राई कर लूँगा बोटी टिक्का। और ये वाली जो चाप है ना, इन चापों को ये रोल में डाल के देते हैं ना जब, तब एक्स्ट्रा ज़्यादा मज़ा आता है थोड़ा। स्पाइसी होता है बट टेस्टी होता है। मैं सुबह स्पाइसी खा लिया तो मैं स्पाइसी ऑल टाइम फेवरेट।
बॉडी टिक्का जो स्पेशल ये हम लोगों ने मंगाया बाजीबा से प्रशांत वार। तुम क्रीमी क्रीमी ना अभी वो क्रीमी मशरूम की सॉस जैसे होती है ना ऐसी ठंड का मौसम में ये एंजॉय करता है इंसान। और चॉप का पीस भी सॉफ्ट है। सुबह जो डाइट वाला चॉप खाया था वो थोड़ा रफ सा था जैसे एकदम मुलायम। दिल्ली वाले को चॉप मिल जाए ना बढ़िया तरीके की तो उसका दिन बन जाता है। देख रहे हो कलर देख रहे हो कितना वो जो रोल में जो तंदूरी स्मोकी फ्लेवर आता है ना। हाँ जैसे वो सुबह डाइट वाली खाई थी ना आई थिंक अगर डाइट चॉप रोल बनाए ना तो उसका ज़्यादा टेस्ट उभर के आएगा। नहीं क्योंकि उसमें ना फिर वो ज्यादा हो जाएगा मसाला मसाला। अरे वो तो डाइट चाप का जैसे अफगानी चाप है अफगानी चाप वर्सेस अफगानी चाप रोल वैसे मलाई चाप ऐसे खाओ या मलाई चाप रोल खाओ तो आपको रोल ज्यादा टेस्टी लगेगा वर्सेस मलाई चाप। अब आपसे मिलेंगे इवनिंग स्नैक्स पे थोड़े ये रोल बहुत हो गए अब रोल पे लगाम लगा देंगे। अब यहाँ से आगे तक नो रोल्स। दो चार घंटे में मिलते हैं। हैवी हो गया थोड़ा डाइजेस्ट करेंगे इसको। ये मलाई वाला थोड़ा हैवी होता है ना क्रीमी क्रीमी ज़्यादा। ये बोटी भी बहुत हैवी होता है वेज बोटी। अब इवनिंग स्नैक्स पे मिलेंगे। अब यहाँ से नो रोल्स। रोल्स टेस्टी होते हैं पर वैरायटी दिखानी है चापों की। वैरायटी तो ऑल टाइप्स ऑफ चाप की वीडियो बना रखी है सैटरडे फन वीडियोस की। कितनी सारी चाप। ओहो इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो चुका है और इवनिंग स्नैक्स पे हमारे पास ये दो डब्बे अलग हैं इनको साइड रखो। ये तो पहले दिखाता हूँ पहले तो ये चीज़ चेकआउट करो आप। फ्राइड चाप मैंने बोला था ना वो रोल ना लंच के बाद नहीं खाना हम लोगों ने। कॉर्नफ्लेक्स वाली चाप होती है बेसिकली ऊपर आउटर कोटिंग और इसको ऐसे फ्राई करते हैं डुबकी मार के अंदर से दिखाते ना। ये भी वो डाइट चाप की तरह थोड़ी सी ड्राई रहती है पर ये बाहर से बहुत टेस्टी लगती है और इसका मज़ा हरी चटनी के साथ नहीं आता इसका मज़ा थोड़ी ना शेजवान चटनी थोड़ी मेयोनीज व्योनीस उन सब चीज़ों के साथ ज़्यादा आता है। एक तो हम लोग खाने वाले हैं ये वाली चाप और ये वाली चाप देखो क्या है। ये क्या है चाइनीज चाप कहाँ से आ गई। लेमन टिक्का। अरे भाई क्या मंगवाते हो तुम। भाई मैंने सोचा कुछ क्रेजी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और इवनिंग स्नैक्स में ऐसी ये मैंने नहीं खाई कभी मैंने सारा मेन्यू खा रखा है। तो कैसे अगर सारा मेन्यू खा लिया तो ये नहीं खाया तो सारा मेन्यू नहीं खाया आपने। कैप्सिकम मुझे देना जरूरी है। जी हाँ लेमन टिक्का का असली मजा ही काफी सही चीज लग रही है ये मतलब ऐसी लग रही है ये वो जैसे होता ना वो चिली पोटैटो माइनस द गुडनेस। मतलब ठीक है लेमन टिक्का है तो इसमें लेमन का इतना बड़ा बड़ा बीज डालने की क्या जरूरत है। पता चलना चाहिए ना पुष्टिकरण होना चाहिए दोस्तों कि ये लेमन टिक्का है। इसमें चटनी डाली जाए थोड़ी सी। पहले लेमन टिक्का ही खाएंगे फिर हम। लेट अस ट्राई विद लेमन टिक्का। ये तो हमें पता है कैसा होगा। काफी क्रेजी लग रहा है लेमन टिक्का। बीज बूज तो नहीं कोई और। तो ज्यादा लेमन मुझे बहुत सीरियसली ले लिया लेमन टिक्का को। लोग बोलते हैं भाई गार्लिक ब्रेड में गार्लिक का है भर भर के डालो गार्लिक। लेमन टिक्का में लेमन का है भर भर के डालो लेमन। मतलब मेरे हिसाब से लेमन टिक्का शुड बी अ चाप दैट इज जस्ट रोस्टेड एंड उसके ऊपर नींबू डालो। ये मतलब चाइनीज चाप टाइप बन गया है। ये चाइनीज चटनी डालने की क्या जरूरत थी। मतलब जिसको चाइनीज पसंद है ना और चाप भी पसंद है उसको ये बहुत पसंद आएगा। उसको भी ये पसंद नहीं आया। एक तो वैसे ही विनेगर वगैरह इतने खट्टे होते हैं ऊपर से उस पर भी नींबू डाल दिया। तहे दिल से मुझे मेरे ओपिनियन में ये अच्छी नहीं लगी। चाप हमें क्षमा करिए पहले फोकस करते हैं ऑन कैमरा अच्छी चीज़ों पे। फ्राइड चाप नाइस। फ्राइड चाप ठीक है पहले से इसकी क्वालिटी थोड़ी हुई है। पहले इसके अंदर का चाप बहुत सही होता था। ये अलग अलग आउटलेट्स पे ना अलग अलग मिलती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने SGF से मंगवाई थी उसके पे वो क्या पीसेस नहीं आए थे याद है। इन शॉर्ट हमारे इवनिंग स्नैक्स जो थे वो ओके ओके निकले और डिनर को बनाएंगे बहुत ही डिनर वो मंगवाएंगे डिनर में एक्सपेक्ट नहीं वो साथ में भी वही मंगवाएंगे फिर नहीं ऑप्शन एक और है मिलते हैं डिनर पे। ये ले जा आजकल भारती ओके बाय। डिनर टाइम लेट्स सी व्हाट वी हैव इन डिनर। ऑब्वियस चीज है खोलो पहले तो ये इतने से घंटे घंटे लगा के भेजते हैं ना। एक सेकंड लगा डिनर खुल गया पूरा। वाओ ब्यूटीफुल। ये लो जी ये हमारी आ गई है चापे चापे जो एक टाइप की चाप बच गई थी वो भी हम लोगों ने मंगवा लिया। दिस इज लाइक द चाप की ओजी चाप। इसको हम लोग यहाँ पे करके खोलेंगे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा तेल गिरेगा। तवा चाप है आपने बोला मैं ही खोलूंगा इसको। ओके दिस इज आवर चाप नंबर वन। और यहाँ पर क्या है। अच्छा आप नंबर वन से ही काम चला लेते ना अभी। ये तो हम लोग लच्छा पराठा। ये तो हम लोगों ने 1 2 3 4 अरे ये बढ़िया डिनर है 5 लच्छा पराठा नंबर वन।
लच्छा पराठा नंबर टू, ये चेकआउट करो। तवा चाव, ये देखो, ये एक और ये लो। ओ भाई क्या बढ़िया, एकदम ग्रेवी से लिबड़ी लिबड़ी ना, चापे शापे हमारी, नाइस। आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, प्यास, मिस्टर प्यास। ओके आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चापे शापे खाई जाए भाई, ओजी डिनर जैसे कहते हैं ना। यस, ले रहे देखो भाई पहले तो आप। आप खाते रहो, मैं खाता रहता हूँ। हम पहले देखते हैं फिर खाते हैं बढ़िया से। आज के दिन में पूरे दिन चाप खाई, कुछ ऐसा अलग नहीं लगा, क्योंकि कभी कभार कर भी देते हैं ये काम। एक्चुअली हो जाता है, दिल्ली वाले ना चाप की टाइप इतनी, भाई ये चाप इतनी सॉफ्ट क्यों है। ओ भाई वाओ, चाप इज अमेजिंग टुडे, गुड। अब ये डिनर, आज हम लोग अर्ली डिनर कर रहे हैं क्योंकि फटाफट इस डिनर को एडिट करना है। ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग्स पे आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इतना खाना खाया कि 24 घंटे एक पर्टिकुलर खाने के लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या क्या हम लोगों ने रोमांचक काम किए ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग, बट आज बिल्कुल चैलेंज वाली फील नहीं है, माइनस द इवनिंग स्नैक्स, दैट वॉज अ चैलेंज। हर सुबह से पहले एक चांदनी रात आती है, इवनिंग स्नैक्स वाज दैट चांदनी रात। चांदनी रात तो अच्छी वाली होती है, वो अमावस की रात थी। आज के वीडियो का डिनर बेस्ट है भाई, मजा आएगा एक्चुअली ना, मतलब डिनर सही है। एक तो हमारे रोहिणी में चाप भी इतनी बढ़िया मिलती है, फुल सेटिस्फेक्शन हो गया। अब ये यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 24 आवर चैलेंज या फिर कोई और बेहतरीन वीडियो। जस्ट फोर्स ही लेने खानी पड़ रही भाई, चाप ऐसे ग्रेविटी से टूट रही है, विच इज क्रेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, इंजॉय। रेसिपी जो लोग एंड तक देख रहे हैं उनके लिए, जब ये चाप ऐसे आती है ना, इसके अंदर या तो आधा चम्मच देसी घी या फिर आधा चम्मच बटर डाल लेना, मैं कह रहा हूँ डाल। बाय बाय, ये सब लास्ट से, ये सिर्फ लास्ट तक देखने वालों के लिए, मज़ा आ जाता है। खाओ, इंजॉय करो, गो एंड ट्राई, फिर लिख के बताना। बाय बाय।